आंटी, आप दोनों मुझसे नाराज तो नहीं ना? एक्चुअली अवनी को नाइट क्लब ले जाने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन अवनी ने मुझे बताया कि वो कभी नाइट क्लब नहीं गई, इसलिए उसे दिखाने के लिए ले गया। कोई बात नहीं, बस तुम हमसे परमिशन लेके जाते तो हमें चिंता नहीं होती कि तुम लोग को आने में इतनी लेट क्यों हो गया। पहले तुम हमें ये बताओ कि अवनी ने एंजॉय किया कि नहीं। ये तो आप अवनी से ही पूछे। तुम मुझे बिना बताए समर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चली गई, मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी? मैं बिना पता नाइट क्लब चली गई उससे? माँ और बुआ सा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर राज क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? मैं अभी उसे कॉल करके पूछती हूँ। अवनी, तू ठीक तो है ना? समर तुझे नाइट क्लब ले गया, ये बात तुझे अच्छी नहीं लगी ना? माँ, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन ये बात राज को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राज? हाँ माँ, मैं अकेले ऐसे नाइट क्लब चली गई, राज को इनवाइट भी नहीं किया मैंने। आई एम श्योर उसे इस बात का बहुत बुरा लगा है, इसलिए उसने मुझे आज कॉल तक नहीं किया। मैं इसलिए उसे कॉल लगा रही हूँ ताकि मैं उसे सॉरी बोल सकूँ। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड और उसे सच में बहुत बुरा लगा है। बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उसे बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में दोस्ती के अलावा भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। अवनी, ये बात तुझे भी समझनी पड़ेगी बेटा। तुझे याद है मैंने तुझे क्या समझाया था कि अब तुझे सिर्फ और सिर्फ समर्थ पे ध्यान देना, याद है ना? हाँ माँ, मैं समर्थ को ग्रीन टी दे के आती हूँ। ने अभी तक मुझे फोन नहीं किया, कहीं मेरे नाइट क्लब में कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट तो नहीं कर लिया? क्या करूं मैं उसे कॉल कर लूं? पता नहीं यार, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। हेलो अवनी, क्या हुआ राज? अवनी ठीक है ना? आई डोंट नो यार, लेकिन पता लगाने जा रहा हूँ कि वो है कहाँ। राज, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सब सो रहे थे, पता है मैं चुपके से निकल कर आई हूँ, अगर किसी को पता चल जाता तो। मैं अवनी से मिलना है और पिता, प्लीज मुझे उससे मिलवा दो। पागल हो गए हो क्या राज? टाइम देखो क्या हो रहा है, अगर किसी को पता चला कि तुम इस वक्त यहाँ अवनी से मिलने आए हो, और तो और कि मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी राज। प्लीज अर्पिता, मेरा अवनी से मिलना बहुत जरूरी है, तुम नहीं जानती इस वक्त मैं कैसा फील कर रहा हूँ। आज मैंने छोटी सी बातें बहुत ओवर रिएक्ट कर लिया अर्पिता, और जिस तरह मैंने अवनी के साथ बिहेव किया ना, वो सोचकर आई एम डाइंग इनसाइड। प्लीज, मैंने अवनी को बहुत हर्ट किया है, शी मस्ट बी हेटिंग मी। नहीं राज, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है, वो तुम पर नहीं अपने आप पर गुस्सा है राज, क्योंकि वो तुम्हें बिना बताए क्लब चली गई। क्या? मैं उसे क्लब के बारे में पूछ रही थी, उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम नहीं थे। जो तुम अवनी के लिए महसूस कर रहे हो ना राज, अवनी भी तुम्हारे लिए वही महसूस कर रही है। क्या अवनी ने तुम्हें ये बात खुद बताई? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। मैंने उससे पूछा कि वहाँ का म्यूजिक कैसा था, तो उसने कहा कि राज के फेवरेट सॉन्ग्स बज रहे थे वहाँ। मेरे हर सवाल का जवाब तुम पर ही आकर रुक रहा था कि राज होता तो कितना मजा आता। आई थिंक उसने वहां तुम्हें बहुत मिस किया राज। समर्थ के साथ जाकर भी वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, तो उससे ये प्रूव नहीं होता कि वो समर्थ से ज्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंस देती है? और पता है उसने मुझे क्या कहा? वो बोली, भाभी क्लब जाने का मेरा सपना जरूर पूरा हुआ, लेकिन वो इतना मैजिकल नहीं था क्योंकि वहां पर राज नहीं था। अर्पिता, सच में क्या अवनी ने ये सब कहा? उसमें और तुम्हें सिर्फ एक फर्क है, तुम जानते हो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, लेकिन वो नहीं जानती कि वो तुमसे प्यार करती है। She's yet to realize it. लेकिन अर्पिता, मुझ में अभी और पेशेंस नहीं है, मैं अभी और अनसर्टेन ही रहना चाहता कि अवनी मुझे पसंद करती है या नहीं।
I'm tired of guessing, Arpita. मुझे अवनी से एक क्लियर आंसर चाहिए। मैं अभी और इंतजार नहीं कर सकता। तुम और इंतजार नहीं कर सकते मतलब? तुमने क्या सोचा है? मैं खुद उसे प्रपोज करूंगा। Really, Raj? That's great. हाँ, अर्पिता, अब वक्त आ गया है। अवनी को बताने का कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। मैं उसके सामने सब कुछ कन्फेस कर दूंगा, अर्पिता। हाँ, मैं बहुत जल्दी उसे प्रपोज करूंगा। I'll do it, अर्पिता। I hope तुम जो चाहते हो वो सब तुम्हें मिल जाए। मैंने सोच लिया अर्पिता, मैं कल ही उसे प्रपोज कर लूंगा। बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हें कल अवनी को कॉफी शॉप पे लाना होगा। ठीक है। एक बार वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे कह दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। I love her so much. काढ़ा पी लीजिए, रात भर खांसते रहे, थोड़ा आराम मिलेगा। आप प्लीज ऑफिस में जाइए, घर पर ही आराम कीजिए ना। भावना, आज बहुत जरूरी काम है मुझे ऑफिस में। तो क्या सेहत इम्पोर्टेंट नहीं है? एक दिन नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर सेहत खराब हो गई ना तो कितने दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से? तब काम में नुकसान नहीं होगा क्या? आराम से। मैं आपके लिए बेसन का शीरा लाई हूँ, इससे आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। थैंक यू बेटा। आराम से, मैं पिला दी। ऐसी केमिस्ट्री चाहिए मुझे तुम दोनों। नहीं, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा आंटी अंकल, ये मेरे सीरियल के नए चेहरे हैं। यहाँ जयपुर में इनकी शूटिंग चल रही है और मैं चाहता था कि इन लोगों को आपसे मिलवाऊं, ताकि ये लोग जाने कि असली प्यार क्या होता है। बैठे। अंकल, मैं इनसे कह रहा था कि प्यार का मतलब सुबह शाम एक दूसरे को आई लव यू बोलना नहीं होता, या फिर एक दूसरे को महंगे महंगे गिफ्ट देना नहीं। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करना, उनको समझ, उनका ख्याल रखना, एक दूसरे की परवाह। प्यार का मतलब एक महीने में एक बार डेट पर जाना नहीं होता, बल्कि 2400 घंटे एक छत के नीचे रहकर एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करना होता है। वो प्यार। अवनी, मैं सच कह रहा हूं ना? आप लोग मेरे साथ शूटिंग पे क्यों नहीं चलते? बहुत मजा आएगा। आज तो आपकी आंटी का ऑर्डर है कि मैं रेस्ट करूं और घर पर ही रहूं ऑफिस के बाद। लेकिन हाँ, घर की जितनी भी लेडीज हैं वो बहुत बड़ी फैन है आपके टीवी सीरियल्स के, उन्हें लेके जाइए। ठीक है अंकल, आप रेस्ट कीजिए, मैं इनको ले जाऊंगा। जी, हम लोग शूटिंग देखने जाएंगे, कितना मजा है। जी जी, मैं अभी आपको नए डिजाइन भेजता हूँ। जी प्रताप जी, हम लोग समर्थ के सीरियल की शूटिंग देखने जा रहे हैं, वहाँ पे सारी टीवी स्टार से भी मिलेंगे। मैं तो सबके साथ फोटो खिंचाने वाली हूँ, फिर अपनी किटी पार्टी में सारी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, सबकी सब जल बुन जाएंगी, कितना मजा आएगा। चलो ना प्रताप जी, आप भी तैयार हो जाओ, चलो। नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। क्यों? तुम जाओ, मुझे बहुत काम है सावरी। पर क्यों प्रताप जी? तुमने सुना ना, अभी अभी मुंबई की मलाबार हिल वाली मिसेस गुप्ता से बात कर रहा था। अरे अगले महीने उनकी बेटी की शादी है और अभी तक ज्वेलरी की डिजाइन भी फाइनल नहीं हुई है। 8 डिजाइन भेज चुका हूं उन्हें, एक भी उन्हें पसंद नहीं आया। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम शूटिंग देखने जाओ, तुम्हें पसंद है ना वो सारी चीजें। थैंक यू। मलाबार हिल वाली मिसेस गुप्ता वही है ना जिनका कार्स का शोरूम है? हाँ,
लेकिन तुम उन्हें कैसे जानती हो? पापा ने उनके हस्बैंड के साथ डील्स किए। ओह दैट्स नाइस। पापा जी क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं तू मदद क्यों करेगी, तू जा काम करने देने, डिस्टर्ब मत कर। एक मिनट सावरी सुन तो लो अर्पिता क्या क्या रही है। फूफा जी मिसेस गुप्ता को काफी पार्टीज में देखा है मैंने, उनका ज्वेलरी में टेस्ट थोड़ा यूनिक है। उन्हें इटालियन और इंडियन डिजाइन का फ्यूजन पसंद है। मैं दिखाऊं फूफा जी? हाँ प्लीज। ये देखिए फूफा जी। वाओ तुमने डिजाइन तो बहुत अच्छा बनाया अर्पिता। फूफा जी बस ये मेरी हॉबी है। तुम यहीं रुको, मैं मिसेस गुप्ता को ये फोटोग्राफ अभी भेजता हूँ। ओके हे मेरे सावरा, इसकी वजह से कहीं ऑर्डर कैंसिल ही ना हो जाए। अब फोन आया उनका। हेलो जी अरे उन्हें डिजाइन बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू अर्पिता, तुमने आज मेरी बहुत मदद कर दी। फूफा जी प्लीज यू ऑलवेज वेलकम। प्रताप जी ने मुझे तो कोई हेल्प करने दी नहीं और इस अर्पिता के डिजाइन तुरंत मिसेस गुप्ता को भेज दिए। चक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, ये अर्पिता प्रताप जी को अपने साइड करने की कोशिश कर रही है। भाभी मैं भी आप ही के पास आने वाली। मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाली थी, मुझे मार्केट में थोड़ा काम है, तुम चलोगी मेरे साथ? पहले मार्केट चलेंगे और फिर कॉफी भी पी लेंगे। भाभी हम सॉरी हम नहीं जा सकते, एक्चुअली समर्थ हमें उसकी सीरियल की शूटिंग दिखाने लेके जा रहा है। शूटिंग? हाँ भाभी इसलिए तो मैं रेडी हुई हूँ, मैं आप ही के पास आने वाली थी ताकि मैं आपको भी बोलूँ कि जल्दी से रेडी हो जाओ। यू नो व्हाट भाभी भी आ रहे हैं हमारे साथ, एक्साइटिंग ना? अवनी तो समर्थ के साथ बाहर जा रही है, अब अवनी को राज से मिलवाने में कैसे ले जाऊंगी? क्या हुआ भाभी क्या सोच रहे हो? मैं सोच रही थी क्यों ना हम राज को भी बुला ले, उसे भी शूटिंग देखने मिल जाएगी और राज आएगा तो और भी मजा आएगा। ग्रेट आइडिया, मैं सभी कॉल करती हूँ। रुको अग्नि। राज को इस तरह बार बार डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है ना? मैं जानती हूँ वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके ऊपर और भी तो जिम्मेदारियां हैं। इस तरह ऑफिस में उसे डिस्टर्ब करना, ऑफिस आज में उसे शूटिंग के लिए बुलाना, ये ठीक नहीं है, है ना अर्पिता? जी मम्मी जी। वैसे शूटिंग हो कर रही है? पता नहीं भाभी, अब शायद शहर से थोड़ा दूर है, अब रेडी हो गया हूँ ना। बेचारे राज का प्लान तो फ्लॉप हो गया। अच्छा और हमारे मुंबई वाले प्रोजेक्ट की फाइनल कॉस्टिंग तैयार? वो तो मैंने पहले ही कर लिया सर। और वो यूरोपियन टाइप्स की ईमेल्स? जी सर भेज दिया। लगता है रात भर जाग के काम किया तुमने आज। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। अगर देर रात तक जाकर काम करोगी तो रेस्ट कब लोगे? काम के टाइम पर काम और रेस्ट के टाइम पर रेस्ट। एक्चुअली सर मुझे जरूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए आज मुझे हाफ डे लेना था। जाकर काम नहीं करता तो काम सफर करता, इसलिए। लगता है कुछ बहुत जरूरी काम है इसलिए देर रात जाग के काम किया तुमने। यस सर ऐसा ही समझ लीजिए, मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम करना है मुझे आज, तो मैं जाऊं सर। राज गुड जॉब, और जिस काम के लिए जा रहे हो उसके लिए गुड लक। आज तो सुखी दंगल ने खुद मुझे ऑल द बेस्ट बोला है। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अम्मी को लेकर आ जाना। ठीक नहीं सब गड़बड़ हो गया है राज, अवनी को मिलाने नहीं ला सकती मैं तुमसे। क्यों क्या हुआ? अवनी ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ उसे गुस्सा है या सावरी बोने से मुझे मिलने से मना कर दिया? राज अवनी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हम सब लोग समर्थ के सीरियल की शूटिंग देखने जा रहे हैं। क्या
समर्थ के सीरियल की शूटिंग? ये समर्थ हमेशा बीच में टपक जाता है। नहीं, मैं अवनी और समर्थ को और करीब में आने दूंगा। आज मैं अवनी को अपनी दिल की बात बताई दूंगा। अर्पिता, तुम्हें कुछ आइडिया है उसकी शूटिंग कहाँ हो रही होगी? वो तो मुझे भी नहीं पता राज, लेकिन वहां पहुंचकर मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगी। ठीक है? ठीक है। ये कौन सी जगह है? हमने तो जयपुर हमारा शहर होते हुए नहीं पता। और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे? आप इनसे मिले, ये हमारे शो के डायरेक्टर हैं, राकेश जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। राकेश जी, ये हमारे परिवार के लोग। समझ सर, भगवान को बहुत मानते हैं। अच्छा। जब तक यूनिट के सभी आर्टिस्ट भगवान का आशीर्वाद नहीं ले लेते, शूटिंग शुरू नहीं होती। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी भगवान के दर्शन किए बगैर कोई काम शुरू नहीं करते हम। आओ भाई सब लोग, हम भी बप्पा के आशीर्वाद ले लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाबूजी जी, ये हमारी पूरी यूनिट के लोग हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे लाजन लो, जल्दी आराम आराम से। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये लीजिए, ये तो मैं आपके लिए लाया था। लालचंद दादा, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, लीजिए। अवनी, समर्थ कितना अच्छा लड़का है ना, सबकी रिस्पेक्ट करता है और हर कोई उससे कितना प्यार करता है। बाबूजी, ये हमारे लालचंद दादा हैं, हमारे सेट के हेड स्पोर्ट दादा, सबसे मेहनती आदमी हैं। साहब, मेरे बेटे मुझसे कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब काम छोड़ो और घर बैठो, लेकिन इन सर की वजह से मैं ये काम नहीं छोड़ता हूँ। बहुत देखभाल करते हैं साहब, बहुत ध्यान रखते हैं हम लोगों का। मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। आराम से। बाबूजी, शूटिंग शुरू होने में थोड़ा टाइम है, हम गार्डन में बैठे। हाँ हाँ, चलो चलो आइए। ओह, पापा का फोन, आप चलिए मैं आता हूँ। ठीक। हेलो जी पापा जी, मैं शूटिंग पे था। राज को यहाँ का एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। गंगौर हवेली, टोंक रोड। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पापा, मैं जो कुछ भी करूँगा बहुत सोच समझ के करूँगा, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, आज मैं अवनी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। प्रपोज करने जा रहा हूँ, आज मैं उससे कह दूंगा कि मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, अपनी हम सफर अपनी पत्नी बनाना चाहता। बाबूजी, कितनी अलग दुनिया है ना ये। अवनी अवनी, ये देख देख, समर्थ का इंटरव्यू छपा है। भाभी, आप लोगों ने भी पढ़ा ना, समर्थ ने क्या जवाब दिया अपने शादी के बारे में पूछे सवाल का। पढ़ा, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझे मिल गई है और उसका नाम ए से शुरू होता है। हाँ भाभी, उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि वो लड़की बड़ी मासूम सी है और संस्कारी भी, अपने परिवार को बहुत प्यार करती है और अपने पूरे परिवार को हमेशा एक साथ देखना चाहती है। ये भी लिखा है कि उस लड़की की सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी सादगी है। और भाभी, आखिर में तो ये लिखा है कि वो अपने आप को बहुत लकी समझता है कि उसकी जिंदगी में ऐसी लड़की आने वाली है। अरे राज, समर्थ आज अवनी को प्रपोज करने वाला है। क्या? तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ का एड्रेस मैसेज कर दिया है। ये नहीं हो सकता।
मुझे ये सब रोकना ही होगा। आज मैं तुम्हें पता कर ही रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ अवनी। आज मैं आपसे बोल दूंगा कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। जितना इंतजार करना था कर लिया, अब दिल की बात कहकर ही रहूंगा। जितना जानना था समझना था समझ लिया, लेकिन अब मैं आपकी हाँ सुनना चाहता हूँ। अर्पिता, सैम अम्मी को प्रपोज करे उससे पहले मुझे अपनी दिल की बात बतानी होगी। इतना आसान नहीं है राज, समर्थ अपनी को यहाँ पर शूटिंग दिखाने के लिए लेकर आया है। I'm sure, उसने यहीं पर अपनी को प्रपोज करने का प्लान बनाया होगा। तुम्हारे पास ना तो वक्त बचा है और ना ही यहाँ पर आने का कोई बहाना। और तो और मम्मी जी और सावरी बुआ जी यहीं पर है। इस वक्त सारी कंडीशंस तुम्हारे अगेंस्ट है राज। इट्स इम्पॉसिबल राज, बहुत देर कर दी तुमने। देर तो हो गई है मुझसे और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। कैसे करूंगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज इसी वक्त अपनी को प्रपोज करके रहूंगा चाहे जो हो जाए।